चलिए हम अपनी चॉकलेट क्रीम केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 कप इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको छान लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमारा केक का बैटर रेडी है। अब हम इसको सॉस पैन में डालते हैं। ये मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें इसको पहले हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसमें हम अपना केक का बैटर डालते हैं। मैंने एक तवा लिया, उसको 5 मिनट के लिए प्री हीट किया, इसको 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर हम बेक करेंगे। चलिए हम अपना केक चेक करते हैं, बिल्कुल साफ है। अब हमारा केक बिल्कुल डन है, इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। चलिए हमारा केक ठंडा हो गया था, ये मैंने प्लेट में निकाल दिए और इसके 2 पीस भी कट कर लिए। मैं इस पे थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड करूँगी। अब मैं इसमें क्रीम लगाती हूँ। इस तरह से जो है सारी क्रीम आपने स्प्रेड करनी है और उसके ऊपर दूसरा उसका केक रखिएगा और इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। फिर पैलेट नाइफ की मदद से आपने तमाम क्रीम जो है वो केक पे ऐसे स्प्रेड करनी है। अब एक पॉलीथीन में मैंने चॉकलेट सिरप लिया, उससे मैं केक की डिजाइनिंग करूंगी। चलिए अब ये मैंने एक पाइपिंग बैग में जो बाकी की एक्स्ट्रा बची हुई क्रीम हमारी क्रीम थी वो मैंने ऐड की है इसमें। इससे हम थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे केक की। अब मैं इसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ। हमारा चॉकलेट क्रीम केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।